बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट से ही रिलेटेड है, और हम आज के इस टॉपिक में, इस लैब में, एक्चुअली ये लैब का टॉपिक है, तो इस लैब में हम आज जो है वो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट को जो है वो खुद से परफॉर्म करेंगे और देखेंगे किस तरह से मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट को किया जाता है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट बेसिकली क्या है। ये एक एक्सटेंशन है पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट की, जिसमें जो है वो दो से ज्यादा सीक्वेंसेस को जो है वो अलाइन किया जा रहा होता है बायोलॉजिकल रेलिवेंस देखने के लिए, बायोलॉजिकल सिमिलैरिटी देखने के लिए। वो सीक्वेंसेस प्रोटीन के भी हो सकते हैं, डीएनए के भी हो सकते हैं, आरएनए के भी हो सकता है। और बेसिकली ये जो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट है ये बेसिकली कंजर्व सीक्वेंसेस का बता रहा होता है। कंजर्व सीक्वेंस हमने डिटेल में लास्ट में डिस्कस किया था क्लास में कि क्या होते हैं, तो और बेसिकली ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बता रहा होता है डिफरेंट सीक्वेंसेस का विद द क्वेरी सीक्वेंस, ना आपके क्वेरी सीक्वेंस के साथ, यानी फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में करने के लिए भी हमें मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट जो है वो करनी होती है। इस तरह इसके जो है बहुत सारे एडवांटेज हैं। इसका एक और एडवांटेज भी जो है वो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट का हुई है कि अगर आप देखो तो इट रिवील्स मोर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ये बहुत ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जो कि पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट जो है वो नहीं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता। जैसे कि ब्लास्ट है उसके मुकाबले में ये मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। क्यों? क्योंकि ये आपको कंजर्व सीक्वेंसेस का बता रहा होता है, और कंजर्व सीक्वेंसेस के साथ साथ ये आपको ये बता रहा होता है कि ये माइट बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये सीक्वेंसेस जो है ये मोटिव्स के हैं या डोमेन्स के हैं। तो ये वाली इंफॉर्मेशन आपको पेयर वाइज अलाइनमेंट में नहीं मिल रही होती है। तो एज कम्पेयर टू पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा होता है और ज्यादा डीपली आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, ज्यादा बेहतर एनालिसिस कर रहा होता है पेयर वाइज के मुकाबले में। इसी तरह से ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन के, ऑफ कोर्स हमने डिस्कस किया था कि जो मोटिव्स हैं और डोमेन्स हैं दे आर द सुपर सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर। तो ये एक्चुअली इसको असेस करने के लिए ये मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट इज अ वेरी गुड टूल जो कि यूज किया जा रहा होता है। अच्छा, अब हम देख रहे थे मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट जो है वो कंप्यूटेशनली की कैसे जाती है। ठीक है, जो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट है उसको करने के, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि दो इसके मेथड्स हैं जिन पे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो बेस कर रहे होते हैं। वो दो मेथड थे, प्रोग्रेसिव बेस्ड मेथड थे और कुछ इटरेटिव रिफाइनमेंट मेथड्स थे ना। तो हमने कहा था कि जो प्रोग्रेसिव बेस्ड मेथड हैं वो सबसे ज्यादा वाइडली यूज होते हैं और दे आर मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू इटरेटिव बेस्ड रिफाइनमेंट मेथड्स। ठीक है, तो जो प्रोग्रेसिव बेस्ड मेथड हैं, रिफाइनमेंट बेस्ड मेथड्स हैं, हमने इसमें डिस्कस किया था कि बेसिकली दो कॉमन एग्जांपल्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज हो रही होती हैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करने के लिए। वो जो दो टूल थे वो क्लस्टर टूल था, एक तो क्लस्टर डब्ल्यू हमने डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि ये क्लस्टर पूरी एक फैमिली है। क्लस्टर डब्ल्यू जो अब अपग्रेड करके उसको, उसका नाम चेंज करके उसको ओमेगा रख दिया गया है, तो क्लस्टर ओमेगा टूल। और दूसरा जो टूल था हमने डिस्कस किया था वो टी कॉफी टूल था। तो आज की लैब में हम ये दोनों टूल्स देखेंगे कि इनको कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, उनको हम खुद प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे कि इनको, इन टूल्स को किस तरह से यूज किया जाता है। लेकिन इनको यूज करने से पहले थोड़ी सी इनकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि ये टूल्स एक्चुअली हैं क्या और इनको किस तरह से यूज करना होता है। तो जो क्लस्टर टूल है, बेसिकली क्लस्टर एक पूरी फैमिली है टूल्स की जो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कर रहे होते हैं। ये क्लस्टर फैमिली जो है बेसिकली ये बहुत ही वेल नोन फैमिली है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करने के लिए। अगर जनरली देखें तो इसकी दो टाइप्स हैं। ठीक
ठीक है, अब और भी इसमें शामिल हो गई हैं, लेकिन जनरली जो क्लस्टल टूल है, जो क्लस्टल फैमिली है, उसमें जो दो टाइप है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो दो टाइप्स बेसिकली कौन सी हैं, एक कहलाती है क्लस्टल W और दूसरी कहलाती है क्लस्टल X, ठीक है। ये दो टाइप्स हैं, क्लस्टल W और ये क्लस्टल X। एक्चुअली इनिशियली जब ये मामला स्टार्ट हुआ था, जब क्लस्टल टूल इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उस वक्त इसके अंदर दो डिफरेंट वर्जन चल रहे होते थे। क्लस्टल W एक डिफरेंट वर्जन था और क्लस्टल X एक डिफरेंट वर्जन था, ठीक है। अच्छा, अब दोनों वर्जन में, दोनों ही मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं, इन दोनों टाइप्स में क्लस्टल W में क्लस्टल X में डिफरेंस बेसिकली क्या होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि ये जो क्लस्टल W है, जो W वर्जन है, ये जब आपको अलाइनमेंट का रिजल्ट देता था, तो ये अलाइनमेंट का रिजल्ट सिंपली टेक्स्ट की फॉर्म में देता था, ठीक है। तो जस्ट इज अ सिंपल टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होता था, यानी देर इज नो सच काइंड ऑफ पिक्चर्स ओवर देयर, किसी किस्म की तस्वीरें उसमें नहीं होती थी। सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म में सारा का सारा आपका जो रिजल्ट होता था वो W वर्जन क्लस्टल का वो दे रहा होता था, ठीक है। तो ये W वर्जन की जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी कि ये टेक्स्ट की फॉर्म में रिजल्ट देता था, यानी जो उसका इंटरफेस था वो सिंपल टेक्स्ट बेस्ड था, यानी जो भी चीज लिखनी है आपने टेक्स्ट की फॉर्म में लिखनी है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी फाइल डायरेक्टली अपलोड कर दें या कोई पिक्चर अपलोड कर दें और आप कहेंगे वो इसको स्कैन कर ले, तो ऐसा नहीं है। ये डायरेक्टली सिंपल टेक्स्ट बेस्ड का इंटरफेस था, जबकि जो दूसरा वाला वर्जन था, जो दूसरी टाइप थी क्लस्टल की, क्लस्टल X, जो X था वो बेसिकली वो ज्यादा यूजर फ्रेंडली और उसका इंटरफेस ग्राफिकल था। क्या मतलब है, उसमें जो रिजल्ट्स थे, ठीक है, वो बेसिकली वो ज्यादातर ग्राफ की फॉर्म में होते थे, पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर होते थे, तो इज अ मोर यूजर फ्रेंडली देन W वर्जन ना। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्लस्टल W क्लस्टल X में ये होता था कि एक जो है वो टेक्स्ट बेस्ड था और दूसरा ग्राफिकल इंटरफेस था उसका, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस था। अच्छा, क्लस्टल X हो या क्लस्टल W हो, ये दोनों के दोनों प्रोग्रेसिव मेथड, हमने बताया क्लस्टल फैमिली जो है प्रोग्रेसिव मेथड को ही फॉलो कर रही होती है, और ऑफ कोर्स इसके अंदर प्रोग्रेसिव में तुम्हें याद होगा कि प्रोग्रेसिव के अंदर जो अलाइनमेंट होती है वो कैसे होती है, वो स्टेप बाय स्टेप होती है। पहले वो दो जो सीक्वेंसेस हैं उनकी सिमिलरिटी चेक करके पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट करता है, और फिर पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट करने के बाद, पेयर्स बनाने के बाद, फिर मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करता है। वंस गैप इंट्रोड्यूस कर दे तो वो अनचेंज रहता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी उसी पे ये बेस करे होते हैं। अच्छा जी, जो एक नया एडिशन है वो क्लस्टल ओमेगा है इस फैमिली में, क्लस्टल की फैमिली, ठीक है। तो ये क्लस्टल ओमेगा जो है वो एक लेटेस्ट एडिशन है, ठीक है, क्लस्टल फैमिली के अंदर, और इस वक्त जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा होता है क्लस्टल फैमिली में वो ओमेगा ही हो रहा होता है। तो हम भी जो भी लैब करेंगे हम उसमें क्लस्टल W या क्लस्टल X को यूज नहीं करेंगे, बल्कि क्लस्टल ओमेगा को यूज करेंगे। अगर क्लस्टल ओमेगा को देखो तो क्लस्टल ओमेगा में जो है वो इंटरफेस दोनों होंगे, सिंपल टेक्स्ट बेस्ड भी होगा प्लस ग्राफिकल भी होगा, यानी उसमें दोनों चीजें मौजूद होंगी। ऐसा नहीं है कि क्लस्टल W की तरह वो सिंपल टेक्स्ट बेस्ड हो या क्लस्टल X की तरह वो सिंपल टोटली ग्राफिकल इंटरफेस हो, तो उसमें दोनों चीजें आपको नजर आएंगी, ठीक है। तो एक तरह का लेटेस्ट एडिशन है अपनी इनकी फैमिली में, और इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ये जो है इसकी जो स्केलेबिलिटी है, स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि पिछले वर्जन के मुकाबले में इसके अंदर जो अलाइनमेंट की कैपेसिटी है, अलाइन करने की कैपेसिटी है, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की कैपेसिटी है, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये थाउजेंड्स ऑफ सीक्वेंसेस को ना विद इन मिनट्स अलाइन कर लेता है, यानी थाउजेंड्स ऑफ अगर सीक्वेंसेस भी मौजूद हैं तो इट इज मच फास्टर देन द प्रीवियस वर्जन ना। तो प्रीवियस वर्जन के मुकाबले में ये काफी ज्यादा बेहतर टूल है जो कि थाउजेंड्स ऑफ सीक्वेंसेस को भी अलाइन कर लेता है विद इन मिनट्स, ठीक है। तो ये क्लस्टल ओमेगा और जो है ये क्लस्टल फैमिली से ताल्लुक रखता है, क्लस्टल फैमिली में ये दो टाइप्स मैंने शुरू में बता दी। तो ये क्लस्टल जो टूल है ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए, ठीक है जी। दूसरा जो टूल है वो है टी कॉफी। टी काफी अगर आप देखो तो टी काफी जो है वो एक तरह का आप कह लो कि अपडेटेड वर्जन है, यानी अपग्रेडेड वर्जन है। टी काफी जो है वो क्लस्टल के मुकाबले में एक ज्यादा
फास्ट टूल है, ठीक है, और इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो एज कम्पेयर टू क्लस्टर वो ज्यादा है, इसके रिसोर्सेज क्लस्टर के मुकाबले में ज्यादा है। आमतौर पे जो अलाइनमेंट के रिजल्ट टी कॉफी प्रेजेंट कर रहा होता है वो आफ्टर थॉरो प्रोसेस के थ्रू कर रहा होता है, वो बहुत सारे सीक्वेंसेस को जो है वो जाके सर्च कर रहा होता है और उसके बाद रिजल्ट्स को थॉरली कंबाइन कर रहा होता है। यानी एज कम्पेयर टू क्लस्टर जो यहाँ पे कैपेसिटी है ना अलाइनमेंट करने की, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की, वो टी कॉफी के अंदर ज्यादा है। जो कैपेसिटी होती है टूल की वो कैपेसिटी यहाँ पे टी कॉफी में ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्लस्टर ना। तो टी कॉफी जो है बेसिकली ये जो टूल है ये इसका जो मेन फीचर ये है कि ये एज कम्पेयर टू क्लस्टर इसकी जो कैपेसिटी है अलाइनमेंट की वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अगर कुछ डिफरेंसेस देखें कि क्या डिफरेंसेस होता है दोनों में, तो मोर बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन कैन बी रिट्रीव फ्रॉम टी कॉफी, ठीक है। टी कॉफी से आप ज्यादा इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये ज्यादा केपेबल है और ये ज्यादा ये और बेहतर अंदाज में डेटाबेसेस को जाके सर्च कर रहा होता है अलाइनमेंट के लिए, ठीक है, और बेस्ट अलाइनमेंट को ये जाके लाके मैच कर रहा होता है। और इसके अलावा ये कि ये ज्यादा इसकी जो एक्यूरेसी है वो भी क्लस्टर के मुकाबले में, क्लस्टर ओमेगा के मुकाबले में ज्यादा है। हाँ, एक चीज है टी कॉफी के अंदर एक तरह का कह लो बैरियर है, वो ये है कि टी कॉफी की जो स्पीड है वो एज कम्पेयर टू क्लस्टर वो कम है, यानी टी कॉफी जो है वो स्लो है क्लस्टर के मुकाबले में, क्योंकि क्लस्टर की जो स्पीड है वो इट्स क्वाइट हाई कि वो मिनट्स के अंदर थाउजेंड ऑफ सीक्वेंसेस को अलाइन कर लेता है। लेकिन अगर एक्यूरेसी की बात की जाए तो एक्यूरेसी टी कॉफी की बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्लस्टर ओमेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दोनों टूल्स का तारुफ है, ठीक है। इसको आप खुद भी थॉरली जाके इसको क्लस्टर ओमेगा को टी कॉफी को सर्च कर सकते हो और इसको थॉरली देख सकते हो कि इस टूल की और क्या क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। मैं यहाँ तक थोड़ा सा बताने के बाद चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिकली इसको दिखा दूँ कि इसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कि हम इस टूल को यूज कैसे करेंगे, सही है। ये थोड़ा छोटा सा प्रोसीजर मैंने लिख दिया था ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए कि किस तरह से इसको यूज करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें अब क्योंकि क्लस्टर यूज करना है फर्स्ट, ठीक है, देन हम यूज करेंगे टी कॉफी, ठीक है। तो अब इस टूल को हम यूज ऐसे करेंगे कि हम पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊं कि हम इसको किस तरह से स्टार्ट करने जाएंगे। अब देखो, क्योंकि क्लस्टर और टी कॉफी दोनों ऐसे टूल हैं जो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं, सही है। अब ये क्योंकि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें पहले एक ना तो पहले हम अपना क्या करेंगे, पहले हमारा जो अननोन सीक्वेंस होगा हम अननोन सीक्वेंस को क्या करेंगे, पहले हम अननोन सीक्वेंस को ब्लास्ट करेंगे। क्यों? मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट पे हम उसी वक्त जाएंगे ना जब हमारे पास पहले हमने पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट की होगी, यानी ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली अपना सीक्वेंस लो, एक सीक्वेंस लो और जाके क्लस्टर में पुट कर दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो ब्लास्ट में क्या होता था, तुम एक सीक्वेंस पुट करते थे, वो क्या करता था आपको मल्टीपल आपको क्या करता था पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट करके जो है वो डिफरेंट स्पीशीज के अगेंस्ट आपके सीक्वेंस को अलाइन करके लाके रिजल्ट दे देता था, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको अपने अननोन सीक्वेंस को क्या करना पड़ेगा, ब्लास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ब्लास्ट करने के नतीजे में आपके पास जो है वो ब्लास्ट के रिजल्ट्स आएंगे, फिर आप डिसाइड करेंगे कि भाई कौन से वाले रिजल्ट्स हैं, कौन सी स्पीशीज हैं जो मोस्ट रेलिवेंट हैं जो है मेरे सीक्वेंस के साथ, आप क्या कर लेंगे, उनको सेलेक्ट कर लेंगे अपने पास। उनको सेलेक्ट करने के बाद आप वो सीक्वेंसेस लेंगे और उन सीक्वेंसेस को लेके कोशिश करेंगे यहाँ 4 से 5 सीक्वेंसेस ले लें ताकि आपके पास जो है वो रिजल्ट कंसर्व सीक्वेंस के देखना आसान हो। तो 4 से 5 स्पीशीज आप लेंगे और फिर क्या करेंगे, उनके सीक्वेंसेस को लेके फिर जाके क्लस्टर पे जो है वो क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको यहाँ 1 by 1 कर लेते हैं। अब क्योंकि हमारे पास अननोन सीक्वेंस होता नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली जाके जैसा जीन बैंक में करते हैं, हम पहले जीन बैंक में जाके हम यहाँ न्यूक्लियोटाइड में जाके जो जीन बैंक का सीक्वेंस, यहाँ से हम क्या करेंगे
एक सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ से हम सीक्वेंस ले लेते हैं, मैं भूल गया हूँ लास्ट टाइम कौन सा था, AH ठीक है, चले हमारे पास LGR5 का देख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ से सीक्वेंस पहले क्या करेंगे, अपना जो है वो एक सीक्वेंस यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, इसको हम क्या करेंगे फास्ट ट्रे में, क्योंकि मैंने बताया था पहले भी जो सबसे ज़्यादा फॉर्मेट यूज हो रहा होता है, जो मोस्ट रेलेवेंट फॉर्मेट है, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्मेट है, वो फास्ट ट्रे फॉर्मेट होता है। तो हमें अगर ब्लास्ट भी करना है तो मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे फास्ट ट्रे सीक्वेंस में ब्लास्ट करेंगे, सही है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ऐसा करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड का ब्लास्ट नहीं करते बल्कि प्रोटीन का कर लेते हैं, सही है, प्रोटीन मैच कर लेते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ प्रोटीन की सीक्वेंस कहाँ है कंप्लीट। ओके, कि याद आ गया मुझे ना, ये 8005568 था, ये हमने स्टार्टिंग में जब रिट्रीव की थी जीन सीक्वेंस, तो हम उसी को ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे ना। ठीक है चले, हम यहाँ से इसका सीक्वेंस ले लेते हैं, इसको जाके करते हैं ब्लास्ट। ठीक है, ये वाला प्रोटीन का सीक्वेंस हम ले लेते हैं और प्रोटीन ब्लास्ट करते हैं। यहाँ से हमें जब हम यहाँ से देखो, यहाँ से जब डायरेक्टली इस प्रोटीन आईडी पे चले जाएंगे तो ये हमें क्या दे देगा, उसका डायरेक्टली जो है वो प्रोटीन का सीक्वेंस यहाँ पे दे देगा। अब क्या करो, यहाँ पे डायरेक्टली फास्ट ट्रे पे सेलेक्ट कर लो, तुम्हें सारा सीक्वेंस फास्ट ट्रे की फॉर्म में मिल जाएगा। अब ये है फास्ट ट्रे की फॉर्म में सीक्वेंस, ठीक है। अब इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लो, देन आप एक क्या करो, एक काम ये करो कि यहाँ पे एक वर्ड की अपने पास फाइल बनाओ, क्योंकि ये करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्ड की फाइल बना लो अपने पास और राइट MSA लिख लो, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो सीक्वेंस है तुम्हारा, इसको पेस्ट कर लो। अब फॉर एग्जाम्पल ये है तुम्हारा जो क्वेरी सीक्वेंस है, ठीक है जी, ये आपका है क्वेरी सीक्वेंस, ये आपको याद है, ठीक है। अब होमो सेपियंस है, ऑफ कोर्स होमो सेपियंस है, तो यहाँ पे आप चाहो तो उसका कॉमन नेम लिख लो, होमो सेपियंस ह्यूमंस को बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा कि हाँ भाई ये है मेरा सीक्वेंस जो कि क्वेरी सीक्वेंस है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहो तो कर दो, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसमें कुछ चेंजेस कर देता हूँ, ठीक है, बीच बीच में, ठीक
ये जस्ट इसलिए के जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कि ये मेरा अननोन प्रोटीन का सीक्वेंस है, सही है। तो अब क्या करो, अब यहाँ पे इसको इस तरह से इसको अपने पास नोट कर लो, सही है। ये अब आपके पास सेफ हो गया पीडीएफ फाइल में कि भाई ये आपका प्रोटीन का सीक्वेंस है, ठीक है। और अब क्या करेंगे आप, अब जाएंगे आप सीधा ब्लास्ट करने के लिए, ठीक है। ये वाला डेटाबेस बंद कर दीजिए, सिर्फ ब्लास्ट को खोल लें। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग, हमारे पास प्रोटीन का सीक्वेंस है, हम सिंपली क्या करेंगे, प्रोटीन ब्लास्ट करेंगे। सिंपली आप जाओ, यहाँ जाओ और सिंपल जाके ये जो आपका सीक्वेंस है इसको क्या कर दो, पेस्ट कर दो, ठीक है। नॉन रिडंडेंट है प्रोटीन सीक्वेंसेस, ठीक है। चलें जी, हम नॉन रिडंडेंट में रख लेते हैं इसको, और ब्लास्ट भी हमने करना है, ठीक है जी। इसको करते हैं हम, सो हियर वी गो, ठीक है जी। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया ब्लास्ट का, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे देखते जाएंगे आइडेंटिटी, ठीक है। अब ये यहाँ देखो ह्यूमन से मैच कर रहा है, तो इसको तो तुम छोड़ दो, हम ह्यूमन्स की स्पीशी हमारे पास है, तो हम ह्यूमन्स की स्पीशी नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे दूसरी स्पीशी लेंगे, ठीक है। अब ये देखो जो हमारे पास हिट लिस्ट आ रही है, हमने यहाँ पे क्या करना है, हम देखते हैं कि भाई कौन कौन सी जो है वो पर्सन आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। तो हम डिफरेंट स्पीशीज उठा लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये स्पीशी है पैन ट्रोग्लोडाइट्स, ठीक है। इसको देखते हैं इसका कॉमन नेम क्या है, इसको हम उठा लेते हैं, ठीक है। अब क्या करें आप, यहाँ सिंपल ये करें, इनके एक्सेशन नंबर कॉपी कर लें, ठीक है जी। ये मैंने कॉपी कर लिया, इसका एक्सेशन नंबर किसका है जी ये, ठीक है। एक ये कॉपी कर लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये ज्यादा नियर बाय है। अब इस तरह ये वाली जो गोरिल्ला है इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इसका एक्सेशन नंबर को, ठीक है। अब एक्सेशन नंबर का फायदा क्या होगा, हमें एक्सेशन नंबर का हमें फायदा ये होगा कि हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको टाइप करके एक्सेशन नंबर को हम एक्सेस कर सकते हैं, ये तमाम इन्फॉर्मेशन, इसकी जो इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल हमारे अननोन सीक्वेंस के साथ ये मैच कर रहे हैं। अब ये अलग अलग स्पीशीज हैं जो कि क्या कर रही हैं, मैच कर रही हैं। तो अब हमें मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भाई कौन कौन सी स्पीशीज हैं जो कि जो है वो मैच कर रही हैं हमारे कॉमन सीक्वेंस के साथ, और इसमें कौन कौन से जो रीजन हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है। तो चार हो गए, एक और कोई ले लेते हैं नीचे से जो थोड़ा सा लेस रेलिवेंट हो। ओके, ठीक है जी, 78% है, इसको ले लेते हैं। ठीक है जी, ये चार स्पीशीज हमने, अलग अलग स्पीशीज हमने जो है वो ले ली हैं। अब इसके नाम हमें ऑटोमेटिकली, हम चाहें तो यहीं से भी जा सकते हैं, ठीक है, या हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ अपने पास न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस पे जाएं और जाके क्या करें, जीन बैंक पे जाके ये आईडीज दें, बल्कि हम यहीं से एक्सेस कर लेते हैं इसको, यहीं से एक्सेस कर लेते हैं जो हमने सेलेक्ट किए हैं। एक तो हमने ये पहले वाली स्पीशीज सेलेक्ट की है, इसको हम यहीं से एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है जी। यहीं से हमने इसको ओपन कर लिया,
ठीक है जी। दूसरी वाली जो स्पीशी है गोरिल्ला की थी, वो भी हम यहीं से इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, वो हमने यहाँ से ओपन कर लिया। और तीसरी वाली हमने कौन सी सिलेक्ट की थी, 002846512 4 कौन सी है, चलें एक तो ये है, ये वाली जो हमने सेलेक्ट की थी, ठीक है, और 002645 कौन सी थी ये वाली, दिस वन 002 8 ये वाली थी। ठीक है, अभी चार स्पीशीज थी, हमने यहीं से इसको सिलेक्ट कर लिया। सही है, पीछे बंद कर दो इसको चाहो तो, इसकी भी हमें नीड नहीं है। सही है, अब हमारे पास देखो, अब देखो तुम्हें आइडिया हुआ कि हमने अननोन सीक्वेंस को पहले क्या किया, ब्लास्ट किया, जिससे हमें ही पता चला कि हमारा जो कॉमन हमारा जो सीक्वेंस है एक्चुअली वो मैच कौन से सीक्वेंस के साथ करता है। पहले तो हमें ये पता होना कि जो हमारा सीक्वेंस है वो किसके साथ मैच करता है, यानी पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट हम करेंगे तो ही हम इस काबिल होंगे कि हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कर सकें। हम डायरेक्टली एक अननोन सीक्वेंस के साथ मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट डायरेक्टली नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो रिजल्ट आया, ये ब्लास्ट का रिजल्ट हमें बता रहा है कि भाई ये जो आपकी प्रोटीन है, ये प्रोटीन इन डिफरेंट प्रोटीन्स के साथ, ये डिफरेंट स्पीशीज के नाम दिए हुए, इनके साथ क्या करती है, मैच करती है। अब ये मैच करती है तो आप जो है वो क्या करें इसके साथ, अब फर्दर आप क्या करेंगे कि अच्छा जी ये मैच करती है, इसका मतलब है कि अब मुझे ये देखना होगा कि इनमें इन पांचों में कौन कौन से ऐसे सीक्वेंसेज हैं जो पांचों में मैच कर रहे हैं। जो पांचों में मैच कर रहे हैं इसका मतलब है वो कंजर्व सीक्वेंसेज हैं, यकीनन वो कोई ना कोई मोटिव्स और डोमेन्स बनाते होंगे जिससे मैं अपनी प्रोटीन की फंक्शनैलिटी को पता कर सकता हूँ। ठीक है, अब आपने क्या किया, ये चारों सीक्वेंस सेलेक्ट कर लिए, मैंने बताया कि आप इसको इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लो ना इसको। ठीक है, अब ये जो आपने नंबर यहाँ पे अपने नोट किए इसके साथ ना ये कॉमन नेम इसके नोट कर लो। अब ये पैन ट्रोग्लोडाइट्स बेसिकली ये इसका ये बायोलॉजिकल नेम है, इसका जूलॉजिकल नेम है, ये चिंपैंजी को कह रहे होते हैं। ठीक है, तो अब इसका जो एक्सेशन आईडी था वो क्या था, 523069 ना, तो ये रहा 523069। इसके नीचे आप नोट कर लो कि जी कौन सी स्पीशी है, ये चिंपैंजी की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, और चिंपैंजी के नीचे आप क्या करो, इसका सीक्वेंस फास्टा के अंदर क्या करोगे, नोट कर लोगे। ठीक है, अब देखो फास्टा के अंदर ये पूरा सीक्वेंस इसका ये पूरा यहां से इसको आप कॉपी कर लो। ठीक है, ये आपके पास सीक्वेंस आ जाएगा, कौन सा कौन सीक्वेंस है, ये बेसिकली चिंपैंजी का है। ठीक है, तो नंबर वन ये हो गया, कॉइल के बाद रेफरेंस सीक्वेंस ये हो गया एक। बल्कि नंबर वन तो आपका क्वेरी सीक्वेंस है ना, तो अब ये नंबर टू हो गया। ठीक है, नंबर टू हो गया आपका ये चिंपैंजी वाला। ठीक है, आप इसको क्या करो, कंप्लीट इसको एज इट इज क्या कर लो, कॉपी कर लो अपने पास पेज पे। ठीक है, फिर दूसरी स्पीशी ले लो। अब क्या किया आपने, ये आपने यहाँ नोट कर लिया, उसके बाद आप चले जाओ जो दूसरी मोस्ट आइडेंटिकल सीक्वेंस था वो कौन सा था, वो गोरिल्ला का था। ठीक है, अब गोरिल्ला भी क्या करो, आप जस्ट डायरेक्टली फास्टे पे जाओ। ठीक है, फास्टे हमें फास्टे सीक्वेंस चाहिए, इस पूरे सीक्वेंस को यहाँ से कलेक्टिवली क्या कर लो, कॉपी कर लो। सही है, और ये जो है बेसिकली आपका कौन सा हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा। सही है, ये है क्या बेसिकली, ये गोरिल्ला है। ठीक है, ये उसका सीक्वेंस आ गया। थर्ड वन पे चले जाओ। ठीक है, इसके बाद आप थर्ड पे चले जाओ,
ये था ये पोंगो वैली, ये भी बेसिकली एक चिंपैंजी की ही ना स्पीशी है, उसी की काइंड है, इज अ काइंड ऑफ चिंपैंजी। लेट मी चेक इसको, देख लें क्या, देख लेते हैं इसको एक मिनट। अच्छा सुमेट्रन औरंगटोन, ये बेसिकली इसी की चिंपैंजी की मंकीज की ट्राइब है, और ये जो स्पीशी है सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया में होती है, ठीक है। तो ये इंडोनेशियन स्पीशी है, तो इसका हम नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये कौन सी है जी, सुमेट्रन, ठीक है जी, ये सुमेट्रन द काइंड ऑफ मंकी, ठीक है, ये स्पीशी है, और ये हमारा नंबर फोर गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, जो सुमेट्रा ने उसका फास्टेस्ट सीक्वेंस के अंदर जो प्रोटीन का सीक्वेंस है, हम उसको क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, ये हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। तो अब ये हमारे पास कौन कौन से आ गई, ये ह्यूमन की आ गई है, इसको लिख लो यहाँ पे, कि जो हमारे पास सीक्वेंस है वो हमने ह्यूमन का ह्यूमन से लिया है, ठीक है। और ये रहे जो हमने ब्लास्ट के नतीजे में, अच्छा एक रह गया, अच्छा नंबर फाइव कौन सा है जी, नंबर फाइव देख लेते हैं, नंबर फाइव हमारा था राइनो पार्टिकस बीची, आई थिंक ये भी को मंकी है, हाँ ब्लैक स्नब मंकी। तो ये जो है ये भी इज अ काइंड ऑफ मंकी ना, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि जी ये स्नब नोज मंकी है, जस्ट मंकी लिख लो, ठीक है जी, स्नब नोज मंकी। और उसके नीचे हम क्या करेंगे, फास्टेस्ट सीक्वेंस में इन द फॉर्म ऑफ फास्टे। अब हमने यहाँ कॉमन इंग्लिश लिखे ताकि हमें पता हो गया एक्चुअली ये कौन सी स्पीशी है, क्योंकि देखो ये बायोलॉजिकल नेम है और एक कॉमन नेम है, कॉमन नेम से आपको अंदाजा होता है कि जी हाँ ये चिंपैंजी में और ह्यूमंस में और मंकीज में कौन कौन सी सीक्वेंसेस हैं जो कि मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको इसका पता चल जाए, इसलिए हमेशा इसको कॉमन नेम के साथ लिखते हैं ताकि आपको पता हो कि बेसिकली किसकी बात हो रही है। ठीक है, अब ये आपके पास आपने क्या किया, ये वर्ड की फाइल में क्या किया, पहले अपना क्वेरी सीक्वेंस लिख लिया, ह्यूमंस की इसकी बात हो रही है, ब्लास्ट किया प्रोटीन का, ब्लास्ट करने के बाद क्या किया आपके पास जो ब्लास्ट रिजल्ट है उसमें से आपने रैंडमली कुछ स्पीशीज सेलेक्ट कर ली जो मोस्ट रेलिवेंट थी आपके सीक्वेंस के साथ मैच कर रही थी, ठीक है। उनके साथ आपने क्या किया, फिर उनके एक्सेशन आईडीज के साथ जाके आपने क्या किया, यहाँ पे ये जो रिजल्ट आए डायरेक्टली इनकी एक्सेशन आईडी नोट कर लिया, डायरेक्टली इनको आपने एक और विंडो में खोल लिया ताकि आपके पास उनका सीक्वेंस आ जाए। जब आपने इसको एक और विंडो में खोला तो इसके नतीजे में हुआ क्या कि यहाँ पे आपके पास सीक्वेंस आ गया, जब आ गया तो यहाँ आपने फास्टे फॉर्मेट आपने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, सही है, फास्टे में आया और आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कॉपी करके विद कॉमन नेम अपने पास यहाँ वर्ड की फाइल पे क्या कर लिया, नोट डाउन कर लिया, ठीक है। तो ये आपको इसी पैटर्न में इसी फॉर्मेट में अपने पास चीजों को डाउनलोड करके रखना, कॉपी करके रखना है, ठीक है। तो अब ये जो फाइल आपके पास बन गई, ठीक है, ये फाइल आपने बनानी है। अच्छा जितने भी लोग ये फाइल बनाएंगे सब मुझे ये फाइल जब बनाएंगे अपनी, तो ये वाली फाइल भी अपने असाइनमेंट के साथ अलग से सेंड करेंगे कि उन्होंने जब एमएससी करने के लिए स्पीशीज पहले ब्लास्ट किया है सीक्वेंस को, ब्लास्ट करने के बाद इस तरह से जो फाइल बनाई है, तो अपना एक तो लैब की टाइटल, लैब आप बना रहे होते हो, लैब आप करो, लेकिन साथ साथ लैब के साथ साथ
ये वाली जो फाइल है ये भी आपने मुझे भेजनी है, जिसमें आपने बकायदा इस तरह से वर्कआउट किया हुआ हो कि आपने ब्लास्ट के रिजल्ट्स को सेपरेटली अपने पास नोट डाउन किया हुआ हो, ठीक है? तो ये आपने मुझे सेपरेटली भेजना है, सही है? चलो आगे चलते हैं यहाँ से। तो ये फाइल आपके पास बन गई। अब हम इस फाइल को यूज करेंगे फर्दर क्या करने के लिए, जो है वो क्लस्टल और टी कॉफी को यूज करने के लिए, ठीक है? तो अब हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिफाइन होके आ गई। अब हमें पता चल गया कि जी कौन कौन से सीक्वेंसेस हैं जो कि मैच कर रहे थे, जो मैच कर रहे हैं हमारे सीक्वेंस के साथ, ठीक है? तो यहाँ हम देखेंगे फर्दर, इसके बाद हम क्या करेंगे जी, ये मैंने यहाँ लिख भी दिया है, फर्स्ट रिट्रीव द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन जीन बैंक। मैंने न्यूक्लियोटाइड नहीं किया, प्रोटीन किया, तो आप भी प्रोटीन कर लेना। अगर आप चाहो न्यूक्लियोटाइड तो न्यूक्लियोटाइड दोनों कर सकते हो, दोनों का मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्रोटीन ले लिया। पुट क्वाड्रेंट सीक्वेंस इन ब्लास्ट एंड फाइंड द मोस्ट सिमिलर सीक्वेंसेस सो वी कैन फाइंड द कंजर्व्ड रीजन ऑफ दीस क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंस। वही जो हमने अभी पहले स्टेप में किया, क्या किया कि हमने जो मोस्ट रेलिवेंट स्पीसीज थी, मोस्ट रेलिवेंट जो मोस्ट आइडेंटिकल मोस्ट अलाइन सीक्वेंसेस थे उनको ले लिया, ठीक है? उसके साथ हमने क्या कर लिया, उनको सारी सीक्वेंसेस को विद कॉमन नेम हमने क्या कर लिया, वर्ड पे कॉपी कर लिया, ठीक है? उसके बाद हमने क्या किया, उनका फास्टेस्ट सीक्वेंस के अंदर, चाहे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है या प्रोटीन का सीक्वेंस है, हमने फास्ट टाइम अपने पास उसको नोट डाउन कर लिया, ठीक है? हम उनकी आईडीज को चेंज कर सकते हैं, करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहें तो ना करें, ठीक है? अब हम फर्दर क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि हम इसको जाके क्लस्टल को यूज करेंगे। ओके, अब हम इसको नेक्स्ट हम जाके इसको क्या करते हैं, क्लस्टल के टूल को यूज करते हैं।